अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख, मैं एमडीएस नैन इबादी। तो नाज़रीन, आज वॉइस ऑफ लद्दाख की टीम मौजूद है बुलबुल बाग में, जहां आईसीडीएस के वर्कर और हेल्पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं इनका इश्यू क्या है, इनका मांग क्या है। हमारा सबसे बड़ा इशू यही है कि हम गवर्नर से अपील करते हैं कि हमारा ओनरेम बढ़ाए, क्योंकि जो पेंडेमिक के दौरान जो 2 साल पहले हमने इतना ड्यूटी लगाया था मेडिकल वालों के साथ, अभी उनका कुछ आता पता नहीं है कि अभी तक 1 रुपया हमको एक्सेंट्यू कोई 1 रुपया ही नहीं मिला। क्योंकि देखो, हमारे साथ जो मेडिकल टीम भी था और हमारे आईसीडीएस वर्करों भी था और आशा बहन जी भी था। देखो, अभी आशा को 3-4 दिन पहले उनको 9,500 मिला। हमारे वर्कर जो है दिन रात करके हमने ड्यूटी लगाया था मेडिकल वालों के साथ, 1 रुपया नहीं मिला हमको। जितना अपने डिपार्टमेंट से भी हमने पूछा क्योंकि हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिन रात भर हमने भी वही ड्यूटी लगाया, जितना इतना आशा ने नहीं लगाया इतना जितना हम आईसीडीएस वर्करों ने लगाया। मेडिकल ऑफिसर को भी पता है, हमारे आईसीडीएस डिपार्टमेंट वालों को भी पता है हमने कितना ड्यूटी निभाया। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा इशू यही कि हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखा कि हम एलजी से अपील करते हैं कि सबसे पहले ने जो बाहर जो स्टेट में है वो इतना ओनरेम करके लद्दाख यूटी वालों को भी मिलना चाहिए। जब देखो अभी दिल्ली में कितना ओनरेम बढ़ाया और बाहर हिमाचल में भी इतना बढ़ाया, क्योंकि कारगिल में जब से यूटी आया है अभी तक हमें कुछ 1 रुपया ही नहीं मिला हम यूटी लद्दाख से। हमारे आज के प्रोटेस्ट का मेन थीम है कि आंगनबाड़ियों की मजबूरियाँ। देखो, हमारा हर जो मुलाजिम है उनका पे इतना है, बढ़ रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों पर इतना जोर है, इतना काम है, लेकिन हमारा पे बिल्कुल लो है। आजकल के दौर में आप लोग खुद बखूबी जानते हो कि कितनी महंगाई है, और हम 5,000 में क्या कर सकते हैं? ना हम अपने बच्चों को कुछ खिला सकते हैं, ना हम अच्छा सा कोई कपड़ा पहन सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा ये न्यूज़ कहाँ भी पहुँच जाए, मेहरबानी करके हमारे पे पर, हमारे ओनरेम पर फोकस करें कि हमारा पे बिल्कुल लो है। हमें काम बहुत ही काम दिया हुआ है, ब्लॉक का काम है, मेडिकल का काम है, अभी तो हमें स्कूलों के साथ ऐड किया हुआ है, तो स्कूल में हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम हो गए टीचर ही समझो, लेकिन टीचरों का पे कितना होना चाहिए? अब हम कितना काम करें वहाँ, टीचर स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएँ या होम विजिट के लिए जाएँ, या क्या 5,000 में हम क्या करें या क्या ना करें, आप लोग खुद सब लोग बखूबी जानते हो। इसलिए हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी पे पर फोकस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिरिंगा चांदी का गम्मा प्रोटेस्ट बसे गम्मा दिका जाम अबसोसिन आर देन रंग दुमी कना आर द्रास कना बाटी लिखना गम्मा गचा वर्कर गम्मा दिका ख्योसिन गा यों खान गम्मा यों सिन सर इन रंग सोसे फरियाद बजे बा अगर का तु सुखा का तो प्रॉब्लम का तो ना खोस खुरी मतलब रोस्किन तंग सिदी तंग सिन की खोए जूस जस चुपा चेज मना गचा दक्षन मना हद से ज्यादा खोए मदे न बसियो दक्षन गचा 4,500 या तकरीबन कभी 5,000 कभी 4,500 मैंने गचा उन्हें रम यो ममिन दुख दक्षन हर डिपार्टमेंट ने हर दिन ने अनु तनख्वाह बढ़ाई सोसे अंतहा पता है दक्षन मसलन गज मिजर की ते मतलब आशा वर्कर ला दे बड़े सोजर दो अच्छी चंदे न मेन मतलब खो तो अच्छा मा तो जरे दे न मेन मतलब मुबारक इन खो जिसको भी बढ़ता है अच्छी बात है, मतलब उनको 9,500 मन खो दे 9,000 तो सुख दक्षन गंगारी का फोकस पे रहे ननी अंतहा दी कदे न कतो जन करगिल मेन दिन निकनंगा दी हैदरी मालिक न बट्टी बाजार सफा अच्छा कोविड-19 देश देने अनु खतरनाक पे अनु अच्छा न सैनिटाइजर ही ना देने में पयंत मेडिकल स्टाफ को रंग क्यों से जन रिचत खो स्टाफ चो रंग में पंगा चास पूरा गति एरिया बस एक्स्ट्रा देने बस रियाव यम खुंग अच्छा ना जिक्स बिस रंग सों की अंतन दी देने रुचि बस देने बे देस रिस लेने अच्छा लास बस बस ना इस हद तक लास बस की माशा हशमतुल्ला अच्छा ने बहुत बिन खो बेस्ट अवार्ड थप सी बदौला टीका मतलब खो अच्छा ने बुटुले बेस्ट अवार्ड खो दे सब तो अच्छा मेहनत बस मैंने खो थोड़ी थप तुगा मगर अच्छा जे की बेस्ट अवार्ड थप जिसको विजय मिला है मुबारक है, मगर अभी हमारा ओनरम सिर्फ 4,000 पे रखा हुआ है, काम उतना ही करता है जो पिछले करता था। अभी जितना तनख्वाह बढ़ता है उतना सही बात है, महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। इन्हें जो है दक्षण मैन अब सूची वर्दी छा पहला अगर 300 रुपये मत पिन्ना धरे 3,000 छचिन सीधी बात छो छोड़ मिशो 18,000 तनख्वाह छा रुपया 3,000 वर्दी छचिन अगर सुकूली फीस का तो ना पहला 300 पिन्ना धरे 3,000 देना सुकूली फीस छो मिशो छा आज के अच्छा सिर्फ 4,000 से देना चाहते ना खंगमा ना बींगे बींगना बाजार मैंने इंसान ला नौकरी और पिमी किन अच्छा खासा अपने बच्चों के लिए खिलाए पिलाए कुछ पहनाए दो देना बचिन दे छा ना अच्छी गुजारिश बो दिया इनकी अच्छी ओनर ने मिका सेंट्रल गवर्नमेंट इन नसंगा देन अफसर चीन नसंग अच्छी देन दिखा ओनर ने पिका मद्देनजर जैसे मेहरबानी महंगाई ना
हर डिपार्टमेंट यहाँ दोस्त पी देने का अच्छी का नजर से तो मेहरबानी जरूर। आज हम लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हमारे सबसे पहले तो हमारा तनखे का फोकस है कि हमें 5,000 रुपये में कुछ नहीं होता है। तो हम लोग इससे पहले भी एक हफ्ते पहले हम DC के पास गए हैं और CC के पास भी गए, हम कहीं भी हमारा अभी तक तो कोई फैसला आया नहीं है। तो हम लोग इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे LG साहब से कि हमारी मांग को पूरा करें ताकि हम भी अपना घर बसाए, हम भी अच्छी तरह काम कर सकें। हम हर काम जो डिपार्टमेंट का हो अच्छी तरह करते हैं कि जो लोग जो ये डिपार्टमेंट वाला हमारे ऊपर जो काम देते हैं वो हम अच्छी तरह बखूबी निभाते हैं। तो पिछले 2 साल हमने कोविड का जो ड्यूटी दिया दिन रात 80,000-90,000 तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम जो थे उनको अलाउंस मिला मगर हमें कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी, जबकि उनसे ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो ड्यूटी देती थी। आशा वर्करों को कल ही 9,500 उनको एक साल का एरियर निकल गया है, हमारा एक रुपया नहीं। हमारे जो वर्कर है ट्रैवल करके दूसरी जगह से कहीं गाँव में आ जाती है, उन बेचारियों को किराया भी नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से और ख़ासकर हमारा PM मोदी साहब जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या हम उनकी बेटियां नहीं हैं क्या? हम हर रोज़ इससे पहले भी हम प्रोटेस्ट करते आए हैं आज तक और हमारा कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले तो अभी हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक हफ्ते तक अगर हमारा ये मांग पूरा नहीं हो गया तो हम ताला बंद हड़ताल करेंगे और सड़कों पर आने के लिए हम मजबूर हैं। क्या करेंगे इससे हमें इसके अभी तो जो हमें स्कूलों में जम किया है, स्कूलों में जो टीचर जो है वो हमें 10 से 4 हमें ड्यूटी लेते हैं जबकि हमारी ड्यूटी 10 to 1 ही है। वहाँ हमारा जो है KG वालों को हमें पढ़ाना नहीं है, उनका व्याप क्या है जुल्म तो आंगनवाड़ियों का पहले ही हो रहा है। पहले तो ये मेडिकल वाले हमें वैक्सीन के लेते हैं, पोलियो के लेते हैं, हमें कुछ एक रुपया नहीं देते। जब डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर आता है हमें खिलौना लिस्ट लाओ, लिस्ट का भी हमें जेब से ही पैसा देना पड़ता है। तो इतना जुल्म है हमारे साथ, इतना जुल्म है। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात हो सके आगे तक पहुँचाए, मेहरबानी करते हैं आप लोग आए और हमसे इतना जो काम करते हैं हमारे साथ जुल्म है, बहुत जुल्म है, यह तो आप लोग भी देख रहे हैं। आज हम यहाँ PC ले आ गए हैं कि इस तरह से हमें हमारा तनख्वाह बढ़ जाए, हो सके तो 25,000 से 30,000 काम के हिसाब से, आज के दौर के काम के हिसाब से, क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा है, महंगाई है। तो हमारी जो बाकी वर्कर हैं मतलब शादी करके कहीं गांव से कहीं गांव गए हैं उनसे अभी तो ड्यूटी इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि हमारा पता नहीं 80-90,000 लाख लेने वाले हैं घूम रहे हैं, मगर एक आंगनवाड़ी वर्कर बेचारी है अगर सेंटर में जब ना जाए तो पहले गाँव वाले शोर करेंगे, बाद में डिपार्टमेंट वाले शोर करेंगे, अभी 5 के अंदर है वो 5 हमें तंग करेंगे। तो आप ही बताओ हम क्या करेंगे, हेड मास्टर तंग करता है जबकि कहता है कि आप लोग आज जब स्कूल फर्स्ट को खोल गया पहले आंगनवाड़ी को ही उन्होंने फ़ोन किया, तो ये कौन सा नाइंसाफी है? हमारे LG साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये कौन सा इंसाफ है हमारे साथ क्यों है? मोदी साहब जो कहता है हर वक्त कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये नारा कहाँ है? इसका नारा अभी कहाँ है? हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? हम 25 साल से हम 30 साल से हमारी वर्करें यहाँ पर सर्विस कर रही हैं, 50 साल भी हो गए किसी को हमें ना कोई तनख्वाह का पता है, और जो हमारी सीनियरिटी लिस्ट है हमारी सीनियरिटी लिस्ट अभी शो ही नहीं करते वो लोग, जो हमारे पोस्ट है जो है हमारे सुपरवाइजर के पोस्ट है वो हमारी वर्करों को प्रमोट किया जाए। कल ही हम DC के पास गए, DC ने कहा पहले तो आपका पे हम इंशाल्लाह देख लेंगे, बाकी तो आप पहले मुलाजिम है नहीं है कहते हैं, मुलाजिम है नहीं तो ये डिपार्टमेंट का काम क्यों देते हमें, क्यों देते ये लोग? फिर हम खुद ही गए उसके सामने, उसने कहा पहले तो आप मुलाजिम नहीं है, मुलाजिम नहीं है कहा उसने, क्यों ये कौन सी इंसाफ है भाई? हम आपके ये कहते हैं DC साहब को कहते हैं चलो मुलाजिम नहीं है तो जो आंगनवाड़ी हम उनको न्यूट्रिशन खिलाते हैं वही ही करेंगे, हम वही 5,000 का वही ही करेंगे। आज हमारी जो वर्करें हैं वो बेचारे दिन में खेती बाड़ी करके थोड़ा कमाती थी, आजकल तो वो भी बंद हो गया, अब स्कूलों में रहना है हमें, बच्चों को स्कूल लेना है, स्कूल से आंगनवाड़ी वर्क सेंटर लाना है, होम विजिट का दिन तो हमारा वहीं पर गया। तो ये 5,000 रुपये कहाँ का ना इंसाफ है? 5,000 रुपये आशा जो कल को गई आशा उनको 3,000-3,000 हो गया, अभी 5,000 होने वाला है। एक आंगनवाड़ी वर्कर है जबकि हर डिपार्टमेंट में उनको बुलाते हैं, अगर इलेक्शन हो आंगनवाड़ी को बुलाते हैं, अगर कोई पोलियो हो उसको बुलाते हैं। तो हम चाहते हैं हम उनका काम नहीं करेंगे, नहीं बोलते हम करेंगे मगर हमें पे दे दो, जिन्हें हो सके हमें परमेंट भी करो, क्यों नहीं करेंगे? जब बाकी डिपार्टमेंट हो रहे हैं हमारे है, 89 से यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर की स्कीम बन गई है, तो हम मुलाजिम नहीं होना ये कौन सी बात?
बात हो गई। क्यों रखा है डिपार्टमेंट ने, प्रमोशन क्यों दिया है आज तक जो वर्करों को दिया, जब मुलाजिम नहीं है तो क्यों दिया है उसने प्रमोशन? 2006 से हमारे प्रमोशन भी बंद है, हमारी सीनियरिटी लिस्ट भी बंद है, हमें आता पता नहीं, सिर्फ हमारे साथ जुल्म करके काम लिया जा रहा है। तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत यहाँ आने के लिए। मैं एक बार आपसे और रिक्वेस्ट करती हूँ, हो सके आगे तक हमारी बात पहुँचाए कहाँ तो हो सके तो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक्शन ही नहीं लिया, आज हम मजबूर है, आज हम मजबूर है कि हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं। तो हम आप लोगों से हम ये वादा करते हैं, अगर आप लोगों ने हमारी इस बात पे गौर नहीं किया तो हम मजबूर हैं, जितने भी हम वर्कर्स हैं वो हम अपने पूरे बच्चों को लेके हम सड़कों पे आएंगे। और मैं और एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी हमारी कारगिल की रिलीजियस तंजीमें हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि वो लोग भी हमारे साथ देने के लिए वो लोग आगे आए, क्योंकि हम लड़कियां हैं, क्योंकि हमारी जो कारगिल है ये तो एक रिलीजियस जगह है, यहाँ पे तो हमें हम लड़कियों की जो इज्जत और मकाम का सबको पता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन आज हम लड़कियां हैं, हम माएँ, हम बहनें आज मजबूर हो के यहाँ सड़कों पे आए हैं, तो आप लोग भी इस पे आप लोग भी गौर करें। तो नाज़रीन, ये थे ICDS के वर्कर्स और हेल्पर लोग, इनका मांग यही है कि जितना हो सके इनका पे बढ़ाया जाए। और पेंडेमिक के दौरान इन्होंने जितना अपना टाइम सर्व किया था, जितना सर्विस दिया था, उनका मुआवजा दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर UT एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे अब तो हम दूसरे से अलग है, हम अभी UT बन गया है, हम अपना हक यहीं पे हल कर सकता है कि बाकी जाना जरूरत नहीं पड़ता है। बाकी स्टेटों में आप लोगों को ऑनरेरियम जो है बहुत अच्छा दे रहा है, मगर हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम LG साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इनको नजरअंदाज करके इनका जितने भी मसाइल। मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।